नर्मदापुरम संभाग के आईजी के चयन एवं होशंगाबाद नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा थाना सिवनी मालवा में किया गया है औचक निरीक्षण। थाना सिवनी मालवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आगामी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर एवं चुनाव को लेकर आईजी केसी जैन एसपी होशंगाबाद के द्वारा सिवनी मालवा थाने का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें आगामी जन आशीर्वाद यात्रा त्यौहार एवं चुनाव को लेकर पुलिस स्टाफ को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं एवं किस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा की व्यवस्था रहेगी उसके बारे में भी बताया गया। आपको बता दें, चल रही 6 सितंबर को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा का आगमन सिवनी मालवा में हो रहा है, जिसको लेकर शहर सिवनी मालवा के तमाम लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग पुलिस प्रशासन भी अपनी संपूर्ण व्यवस्था पूरी करने में जुट गया है। सर, आज के आप किस औचक निरीक्षण को किस रूप में लिया जा सकता है, या जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? बेसिकली ये मेरा वार्षिक निरीक्षण जिले का चल रहा है और वार्षिक निरीक्षण के तहत यहाँ थाना सिवनी मालवा पर निरीक्षण के लिए आया हूँ। जी, साथ ही साथ जो विषय आपने भी बताए हैं कि 6 तारीख को जन आशीर्वाद यात्रा है, त्यौहार है आगे और विधानसभा चुनाव है जी, उसके सिलसिले में भी यहाँ जो हमारे अधिकारी कर्मचारी पदस्थ हैं जी, पुलिस विभाग के और राजस्व विभाग के अधिकारी, उनसे भी मैंने चर्चा की है और उनसे के बारे में जानकारी ली है और क्या व्यवस्था बनानी, कैसे व्यवस्था बनानी, वो सारी चीज़ें इनको प्रत्येक उस पर बताएँ कि जन आशीर्वाद में उनको कैसे व्यवस्था बनानी है, त्योहारों पर पूरी व्यवस्था उसके लिए अमन चैन से सारे त्यौहार संपन्न हों और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उसमें भी क्या क्या उनको तैयारियाँ करनी है, क्या क्या कार्रवाइयाँ करनी है, वो सारी चीज़ जब भी आने के बाद सबसे पहले पूरे यहाँ उपस्थित स्टाफ से चर्चा करके उनको बताया गया है। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने यहाँ पर थाने पर देखी, यहाँ पर नगर पालिका के सहयोग से तो शहर में आपके CCTV कैमरे लगाए गए हैं जी, कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम यहाँ थाने पर स्थापित है, इससे हमारे थाने के लोग वो CCTV के माध्यम से आपके थाना शहर के जो भी पॉइंट्स हैं, संवेदनशील पॉइंट्स हैं, उन पर नज़र इनकी बनी रहेगी यहाँ पे और कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में उससे काफ़ी मदद मिलेगी। मैंने और भी सुझाव दिए हैं कि इसमें जो और कैमरे शहर में लगे होंगे, कई लोग प्राइवेट भी कैमरे में लगा के रखते हैं और उसमें जो भी ऐसे उपयोगी होंगे हमारे लिए, उनको मैंने बताया है कि जो भी जिस व्यक्ति ने इंस्टॉल किया है तो उसकी कनेक्टिविटी भी इसके साथ दे देंगे तो उनको और एरिया कवर बनाना हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने बताएंगी और सबको चुनाव की तैयारी के लिए, त्योहारों की तैयारी के लिए और आपके 6 तारीख को जन आशीर्वाद देने की व्यवस्था के बारे में सबसे चर्चा की और उसको बेहतर तरीके से व्यवस्था करेंगे। शिवनी मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट।